नमस्कार, जया फार्म किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एकदम इजी वे में नारियल का कोफ्ता बनाना बता रहे हैं। इसमें हमने एक कच्चा नारियल लिया है, दो प्याज, तीन चार हरी मिर्ची, चार उबले हुए आलू, एक चम्मच बेसन, हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, चाट मसाला, ये सब को हमने अच्छे से मिला के ये हमने उसका डो तैयार कर लिया है। ये देखिए, हरी धनिया वनिया सब डाले हैं इसमें। उसके बाद हमने इसके ऐसे हमें ऐसे उसके बॉल बनाना है। उसके बाद हम इसे तलेंगे। तो देखिए, हमारे पूरे नारियल के हमने बॉल्स बना लिया है। मैं एक बार फिर से आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। हमने एक कच्चा नारियल लिया, हमने उसे कीस लिया। उस नारियल में हमने चार बॉयल आलू, एक बड़ा चम्मच या एक छोटी कटोरी में आप बेसन और हल्दी, मिर्ची, धनिया, नमक, बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती, चाट मसाला, ये सब को हमें अच्छे से मिला के हमने इसका डो बना लिया। और उसके बाद हमने ये इसका बॉल तैयार कर लिया। अब ये देखिए, हमारा तेल गर्म हो गया। अब हम सारे बॉलों को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, हमारे बॉल अच्छे ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं। ब्राउन होने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे बॉल कितने अच्छे हल्के ब्राउन ब्राउन हुए हैं। इसी तरीके से पूरे बॉल हम छान के निकाल लेंगे। चलिए, अब हम अपने नारियल के कोफ्ते के लिए ग्रेवी तैयार करते हैं। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिए। थोड़ी सी मीठे नीम की पत्ती, थोड़ी और ये दो बारीक कटे हुए प्याज। अब हम इसे हल्का ब्राउन होने देंगे। हमें ज्यादा मसाले की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, बिल्कुल हल्के मसाले में बनता है। और वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारे कोफ्ते खाए होंगे, लौकी के कोफ्ते। आज हम आपको नारियल के कोफ्ते खिला रहे हैं। ये देखिए, हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दे रहे हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया, 1 से 1.5 चम्मच डाल सकते हैं, फिर हम 1.5 चम्मच डालेंगे। ये पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच और नमक, नमक थोड़ा डालेंगे स्वाद के अनुसार, क्योंकि हमने जो कोफ्ते बनाए हैं उसमें भी हमने नमक डाली थी। ये देखिए, हमारा मसाला भून गया है। ये हमने चार बड़े बड़े टमाटर लेके इसे ग्राइंड कर दिया है और इसे मिला देंगे। और टमाटर को थोड़ा पकने देंगे हम। ये देखिए, हमारा मसाला अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। आप चाहे तो बेसन का भी घोल बनाकर डाल सकती हैं। ये देखिए, अब हम इसमें थोड़ा सा बॉयल होने देंगे इसे। उसके बाद हम अपने सारे कोफ्ते डाल देंगे। ये देखिए, हमारा अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच मलाई डाल देंगे। मलाई ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, ना डालें तो भी चलेगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। ये देखिए, हमने सारे कोफ्ते इसको डाल दिया है। अब हम इसे 10 मिनट के लिए गैस पे रखेंगे। उसके बाद हम बंद करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए भाई, हमारे नारियल का कोफ्ता बड़े अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। देखिए, और ये जो पेट्रोल डालने का सेटअप
ये देखिए हमारे नारियल का कोफ्ता बनकर तैयार हो गया। सॉरी, जब मैं नारियल का पूरा सामग्री तैयार कर रही थी तो मैं आप लोग को वो नहीं दिखा पाई। मैंने पूरा तैयार करने के बाद आपको डो दिखाया, इसलिए मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि एक कच्चा नारियल लिया, दो चार हमने बॉयल आलू लिए, और इसमें हमने हरी मिर्ची, धनिया, प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और एक कटोरी बेसन, ये सब डाल के हमने इसे अच्छे से मिक्स किया, चाट का मसाला भी डाला। उसके बाद हमने बॉल तैयार किया। मैंने पहले भी एक बार रिपीट कर चुकी हूँ कि हमने इसमें क्या क्या डाला है, तो आप लोग जरूर ट्राई कीजिए। आपने तो बहुत कुछ लौकी लौकी के कोफ्ते खा चुके हैं, तो एक बार नारियल का कोफ्ता भी ट्राई करके दीजिए और हमें बताइए कि हमारा नारियल का कोफ्ता आपको कैसा लगा। अगर अभी तक आपने हमें लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। चेता 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 चेता